रुड़की में अब्दुल कलाम आज़ाद एकेडमी बच्चों को निशुल्क देगी शिक्षा। रुड़की क्षेत्र के भारत नगर में अब्दुल कलाम आज़ाद एकेडमी में बच्चों को निशुल्क मुहैया कराई जाएगी शिक्षा। बता दें कि रुड़की क्षेत्र के भारत नगर में अब्दुल कलाम आज़ाद एकेडमी के नाम से शुभारंभ हुआ है, जिसमें विशेष रहेगा कि एकेडमी में बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी और साथ ही साथ ड्रेस आदि देने का काम भी अब्दुल कलाम आज़ाद एकेडमी के द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल राणा ने कहा कि यह बहुत ही अच्छे पहल है और यहाँ पर अब्दुल कलाम आज़ाद एकेडमी का शुभारंभ हुआ है, जिसमें बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी और यह बहुत ही पिछड़ा वर्ग है। देश की तरक्की के लिए हर वर्ग का शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं मोहम्मद नदीम मलिक ने बताया कि समाज उत्थान कमेटी द्वारा अब्दुल कलाम एकेडमी का शुभारंभ किया गया है। इस एकेडमी को खोले आने का सिर्फ इतना मकसद है कि हर गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके। तो वहीं रुड़की आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नरेश प्रिंस ने कहा कि एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, चाहे हमें एक टाइम का खाना ना मिले लेकिन शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ लिख कर अफसर बनकर देश का नाम रोशन करेंगे। तो वहीं क्षेत्रीय निवासी सोनू राणा ने कहा कि बच्चे पढ़ेंगे देश का विकास होगा और इस एकेडमी में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। जो भी बच्चे अब्दुल कलाम आज़ाद एकेडमी में आएंगे उनको शिक्षा का लाभ मिलेगा। बच्चे इसके अंदर शिक्षित होंगे और इस क्षेत्र का विकास भी होगा। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो क्षेत्र का विकास भी होगा। इसमें खास बात यह है, एक तो देखो इसमें किसी तरीके का कोई धर्म जाति का कोई मतलब नहीं है। जो भी किसान समिति है ये इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए इस क्षेत्र के अंदर निशुल्क बच्चे जो यहाँ पर तालीम लेंगे वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक गरीब तबके का बच्चा अगर यहाँ पर आपने देखा है ये बहुत ही समझ में नहीं आ रहा, जोर से बोल लो। सर एजुकेशन तो हर इंसान के लिए, स्कूल की ओपनिंग का मकसद यह है कि क्षेत्र में गिर रहे शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए।